आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमसे पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शंस में से एनिमल्स का ऐसा कौन सा ग्रुप है जो लंग्स के थ्रू रेस्पायर करता है। अब हमें मालूम है कि किसी भी एनिमल में रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है, या हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम वो ऑर्गन सिस्टम है जो गैशियस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता है। गैशियस एक्सचेंज से हमारा क्या मतलब होता है कि एनिमल के सभी बॉडी सेल्स को, या हम कहें बॉडी टिश्यूज को, लगातार ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ये ऑक्सीजन एनिमल्स को अपनी एनवायरनमेंट से ऑब्टेन करना पड़ता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यही गैशियस एक्सचेंज करवाता है कि एनवायरनमेंट से बॉडी टिश्यूज की नीड पूरी करने के लिए ऑक्सीजन ऑब्टेन करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी टिश्यूज में कैटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से अक्यूमुलेट हो रहा था, इकट्ठा हो रहा था, उसको ये एनवायरनमेंट में एलिमिनेट कर देता है। लेकिन लंग्स की जहाँ तक बात है तो ये काफ़ी एडवांस या हायर एनिमल्स में हमें मिलेंगे, वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। किसी भी एनिमल में ये हमें इलोंगेटेड, हाईली वेस्क्युलराइज्ड, वेस्क्युलराइज्ड मतलब रिच ब्लड सप्लाई होती है इनके अंदर, और पेयर्ड स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन हायर एनिमल्स में हमें मिलेंगे। तो अगर अपने ऑप्शंस को देखें, पहला हमें दिया अर्थवर्म और इंसेक्ट्स। तो अर्थवर्म का तो हमें पता ही है, इसके पास लंग्स होती नहीं है क्योंकि ये एनेलिडा फाइलम के अंदर आ जाता है, और लंग्स जैसे स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ना होकर ये अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू, या हम कह सकते हैं बॉडी सरफेस के थ्रू ही डिफ्यूजन से गैसेस एक्सचेंज कर लेता है। उसी तरह से इंसेक्ट्स के पास भी लंग्स नहीं होंगी, ये ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में बिलोंग करेंगे, और ज़्यादातर इंसेक्ट्स जो रेस्पिरेशन करते हैं ट्राकिया नाम की, इनकी बॉडी में हम कह सकते हैं कि पतली पतली ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क होता है जिनके थ्रू हवा इनकी बॉडी में एंटर करती है और ऑक्सीजन उसमें से निकाल लेते हैं। तो लंग्स इन दोनों के पास ही नहीं है। फिर हमें दिया है स्पंजेस, सीलेंट्रेट्स और फ्लैटवर्म्स। तो यहाँ पर इन तीनों ग्रुप्स की जब बात करते हैं, स्पंजेस से हमारा मतलब हो गया पोरिफेरा फाइलम, ये काफ़ी लोअर एनिमल्स होते हैं, स्पंजेस भी इनको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, और इनकी बॉडी में लंग्स जैसे ऑर्गन होंगे क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा क्या, क्योंकि इनके पास इस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होती। इनकी बॉडी में सेलुलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स तो बन नहीं सकते, इसीलिए लंग्स इनके पास भी नहीं होंगी। सीलेंट्रेट से हमारा मतलब है निडेरिया फाइलम के मेंबर्स, हाइड्रा, जेलीफिश, ये सब। तो ये हमें एक्वेटिक मिलते हैं, स्पंजेस और सीलेंट्रेट्स दोनों ही एक्वेटिक होते हैं, और लंग्स हमारे पास ऐसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जो कि बेसिकली टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहने वाले एनिमल्स में हमें मिलेगा, क्योंकि पानी में से ऑक्सीजन ये नहीं निकाल सकते, इनका काम होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को निकालना। तो ये जो लैंड पे एनिमल्स रहते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक होंगी, पानी में रहने वाले एनिमल्स में हमें दूसरे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, गिल्स वगैरह। तो स्पंजेस और सीलेंट्रेट्स, इनमें तो इतनी लोअर लेवल होती है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की कि लंग्स इनके पास हो ही नहीं सकती, और ये होते भी एक्वेटिक हैं। उसी तरह से फ्लैटवर्म्स यानी हमारे प्लेटीहेलमिंथस फाइलम के जो मेंबर्स हैं उनके पास भी इस तरह के स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स उनकी बॉडी में नहीं होंगे, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन इनके पास भी नहीं होती। तो ये भी गलत हो गया। फिर हमें दिया है फिशेस और एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स। तो पानी में ये दोनों रह रहे हैं, एक्वेटिक हैबिटेट वाले ग्रुप्स हैं, तो अगेन लंग्स इनके पास नहीं होंगी, क्योंकि हमने क्या देखा था, लंग्स टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और एडवांस एनिमल्स में हमें मिलते हैं। तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये तीनों जो हमें ग्रुप दिए हैं ये हमारे वर्टिब्रेट्स के अंदर आ जाएंगे, और जो टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट में वर्टिब्रेट्स रहते हैं ये तीनों ही ग्रुप्स, ये तीन क्लासेस हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर आने वाली, लंग्स पोजेस करेंगे, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे जिससे ये एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन ऑब्टेन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों लंग्स से रेस्पायर करने वाले एनिमल्स ग्रुप्स के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। ऑप्शन डी हम करेक्ट आंसर मार्क कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल का 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।